अरे मत पूछो जी जाजी। कभी एक दान और पानी गिर जाता ना, मैं कह रहा जे खेत में इतने खतरनाक रोग नहीं होते। देखियो कितने बड़े बड़े रोग हो रहे हैं जहाँ खेत में अपने इंसान की मुंडी बराबर रोग हो रहा है। क्या कह रहा है भाई साहब? देखो ना खुद जाके देखो, जे देखो हड्डी में जा देखो। देखियो अरे भाई साहब रोग नहीं पूरा लोग बैठो था। और तेरी जिद निकालियो चप्पल जो कोने को अपने खेत में खाद डाल रहा। पकड़ जा भाई साहब, पकड़ जा, पकड़ 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 जो तो मेरे साला तुम दो ही कौन है, तुम दो ही जगह। अरे जो सामने वालो खेत कोली प्ले रखो हमने। जो वालो? हाँ जो वालो सामने वालो। तो कोली प्ले रखो का करे तो जो भैया बिगाड़ दे रहा। एक मार आओ तू जाए मार आओ। हाँ इतना सुन दे जब चप्पल देगी एक चप्पल में है नहीं दो ही मुद देगे और जब कोली से खेत ले और खेती कर वो भूल जागे। जा समझा के रखियो तुम्हारे सारे, अगली बार दिख नहीं जाए खेत पे। अरे पकड़िए मो पकड़िए नहीं तो आज है नहीं मेरे हाथ से खूता हो जाओ। कर ना जी जाए। अरे यार मैं जैसे नहीं करूं कि अभी मेरे हाथ से खूता होगा मैं जेल चल जाऊंगा। फिर तुम जी जी जीत कर रही कि मैं भी चल रही तुम्हारे साथ जेल। अरे अपन नहीं मार। हाँ अरे अपन नहीं मार जी। नहीं तुम किए तो बताओ। अरे नहीं नहीं जी नहीं नहीं जिया जी। और एक बात बताओ मेरे का है, तुम पहले एक बात बताओ। हाँ। हर कोई खेत में को लेटरिंग करे यार। अरे यार जी जी बात मालूम कर जान बात खेत में खाद छोड़ जा मैं। और तुमने कौन सी लेटरिंग बनवा रखी? हाथ अरे हाथ तो धो लो यार। यार हाथ धो करे चल के पहले। बचरू रखी जवाल्टी रखी वहां में पानी भरो और हाथ धो लो ठीक है। अरे यार जी साबुन खाएगी। अरे यार अब जा और बड़ी आफत यार। हाँ साबुन ने कहा साबुन मगर हाथ नहीं धोऊं मैं। अरे यार तुम पर साबुन की व्यवस्था भी नहीं है। हाँ जी यार जी यार का लो जल्दी यार मैं राख जा से धो लो हाथ। अरे जी यार जी मिल गया जा धो लो हाथ। अरे यार वो हाथ धोवे को नहीं है भैया मुंह धोवे को है। वो यार वो मुंह धोवे को। हाँ जास का हुआ जास गोरे हो गोरे। अरे यार जी यार तुमने पहले कहा नहीं बताई यार जब हुए सख्त जरूरत है। मौसम चेंज हो ना तो मैं दिनों दिन काल हो जा रहा पता नहीं चेहरे का हो रहा पिंपल्स डार्कनेस ऑयलनेस और पता नहीं भगवान जाने का हो रहा हो। बहुत परेशान हूँ जी जारी यार मैं मेरी फसल के चक्कर में। अरे यार साले साहब मेरे हो तू जब परेशान हो भी कब आते यार ये तो बताओ। लो जो देखो जो है मुस्टेको स्किंग लाइटनिंग कॉम्बो जो है तुम्हारी हर समस्या को परफेक्ट सॉल्यूशन। स्किन लाइटनिंग कॉम्बो जो कहा जी आजी। अरे यार तुम्हें सब कछु बतानो पड़े जो ये वो मुस्टेको स्किन लाइटनिंग ऑयल और स्किन लाइटनिंग फोम फेस वॉश। तुम्हें पता हो जा ऑयल के अंदर हल्दी और एलोवेरा के गुण है और तुम्हें पता ही है कि जदो कितने नेचुरल रहे। जो ऑयल तुम्हारी स्किन का लाइट और ब्राइट बनावे मदद करेगा और तुम्हारी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाओ और तो और तुम्हारी स्किन का अंदर से क्लीन और मॉइस्चराइज भी करेगा। जाको उपयोग कर वो बहुत आसान है। पहले जाके 3-4 बूंदे अपने हाथ पे ले लो और अपने फेस पे अप्लाई कर लो और जाके 10 मिनट बाद तुम रेखा मुस्टेको स्किन लाइटनिंग फोम फेस वॉश यूज कर लो। फोम फेस वॉश जो का है? अरे हाँ साले साहब हल्दी एनरिच्ड फोम फेस वॉश। रुको मैं बताऊं तुम्हें जो देखो जो येलो फोम देख रहा है जो रियल हल्दी को रियल एक्सट्रैक्ट है वो जो तुम्हारी स्किन का है इंस्टेंट ग्लो और ब्राइट करे हो जो हाइपर पिगमेंटेशन भी कम करे हो और तुम्हारी स्किन टोन भी इम्प्रूव करे हो और जहाँ में एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट भी है जो तुम्हारी स्किन का क्लियर रखेगे और तो और जो आ इनबिल्ट ब्रश के साथ जो तुम्हारी स्किन का डीप क्लीन करे हो और तुम्हारी स्किन से सारो ऑयल और डर्ट सब रिमूव कर दे हो और जहाँ यूज करने के बाद जो मजा आ ना वो तुम खुद मुझे बता गे। अरे वाह यार जी तुमने जाते बड़े काम की चीज बताई। अब तुम तुम्हारो कॉम्बो तो मुझे दोगे नहीं अब तुम जब बताओ मेरे कॉम्बो में कहाँ से मंगवाऊं। अरे मैंने तो जो प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवायो पर तुम रेखा भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आसानी से मिल जाओ और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दई लिंक पे क्लिक करके या फिर फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके अगर तुम ऑर्डर करेगे तो 2 दिन के अंदर अंदर घर बैठे बैठे जो प्रोडक्ट तुम्हारे घर आ जाओ। अरे वाह जी जाजी तुम तो बड़े चालू निकले। अरे चालू था मैं चलो फटाफट हाथ धो और आ जाओ फटाफट।
तुम मंगा दिया जी एक प्रोडक्ट जो। अरे यार लो तुम जो ही रख लो, मैं आ रहा खेत पे। हाथ धो में ना। अरे यार हाथ तो धो लो यार। दीदी हाँ उठ गए। अरे चले उठ कर रहे। कितने बजे गए अबे? 10 बजे चलो तुम तो। कब से सो रहे? अच्छा चलो फटाफट। जो कहाँ पे ना मोड़ा? कहाँ होगा वो? जब चाबी देखी इसमें सदान नीचे कैसे गई बा? हैं? काहे की चाबी? अरे वाह गाड़ी की चाबी जैसे मैं आयो तो। मैं तो जीजा जी लेकर गए। जीजा जी ले गए? हाँ। अरे मैं दूसरे की मांग के लाद रवि की गाड़ी और बम पेट्रोल तक नहीं है भाई। डरवा रवि ने पेट्रोल भाई पेट्रोल झांझेगा आगा मैं घर भी चल लो अपन का। जीजा जी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे। अब जीजा जी तो आ ही जाएंगे भाई, तू जा सपल ले रोटी वोटी खा के फिर चल रहा है। चल मोड़ा तू भी सपल ले उठ। जी जी हाँ चाबी तो दे जा टांगी तार पे। चाय तो ले यार चाय पी लो पहले। हाँ सफर के आ जा। कपड़ा अब जय पहन लीजो जी। नहीं जीजा जी के नहीं रहते। जीजा जी के चल ला रहे तो तुम जब आओ घर से लौट के तो वापस ले आइयो और का। हाँ जी और पता ही नहीं कहाँ चले गए सुबह से गाड़ी लेके। यहाँ पे तक आवे को नाम ही नहीं लाए। भज्जा को परेशान कर रहे मूरे जाना नहीं है सीधे कह दी मैं कन्या जाओ। अरे जी जी अरे जब कोलगेट तो है नहीं है जहाँ मैं खत्म हो गया। अरे है नहीं है बिल्कुल वहाँ में। रुक जा मंगा रहे हैं भाई। और बुरिस बुरिस जीजा जी को कर लो। अरे हाँ जीजा जी बुरिस करूँगा मैं। कैसी बात कर रही तुम तो? नया बुरिस ला दे मुझे। हाँ लाओ थे क्यों तेरम ला जल्दी ला। रुक जा तो ना कला रहे। हाँ घर है तो ना कोलगेट है पैसा भी नहीं है अब क्या करूँ। जे गेहूं इन्हें बेचा दुकान पर कोलगेट लेते आज है जल्दी आज। दीदी हाँ साबुन हाँ ला रहे। सुनो तो हाँ बतक बारी डक जे दुकान पर बेचा और साबुन लेते आज है। हाँ और सुन डबल आई हाँ ले जाए साबुन। अरे यार ये तुम का भूल गई का मैं डब से नहाऊं तो पता नहीं है। डब डब लेके आ जा नहीं नहाऊं मैं। सपल ले अब जल्दी। अरे जी जी लो डब लेके आ डब से नहाऊंगा मैं तो। घर है तो हफ्तों ने सफर है ते पे नाटक बता रहा हूँ। बेटा मेरी लोग नंबर खुदा का कंगे अभी सफर तो नहीं भर रहा हुआ है तो जब से डब ले आओ यार जाके। ये जी सानू सुनिए जितने पैसा बचे सो वापस लेते हैं आज। अरे जी जी हाँ टेम्पू बाबा रामदेव बारो। ले जे कपड़ा जल्दी पहन ले रोटी बन गई आजा। आओ जी जी हाँ सब्जी का एक बनाई करेला की। अरे यार जी करेला मैंने मैं नहीं खाऊं तुम तो दाल चूड़ा मंगा लो मैं दाल चूड़ा खा लूंगा। सब्जी बन गई खा ले। अरे जी जी मैं नहीं खाऊं यार करेला की सब्जी तुम दाल चूड़ा मंगा लो बस खाऊंगा मैं। हाँ करेला गए मुझे कहाँ गए सब लड़का वाले अब कौन दिखाई नहीं रहे। जी जी मोर सब पतों का कल आनो तुम बार बार परेशान हो रही। अरे सुन तो सब पतो मोय। और हाँ जी जी हाँ कहाँ होगा जी जी कब तक आएंगे यार। आउते ही हुई है कब से तो इंतजार कर रही मैं अभी। अरे यार दो तीन घंटे बाद शाम हो बारी पता नहीं कब तक आएंगे। वो गाड़ी बारो अलग मो गाड़ी दे रहा अभी तक नहीं आए। तुम्हारे जीजा को तो कछु समझ ही नहीं आ रहा कब से गए। जी जी हाँ चलो मैं जीजा जी आ गाड़ी लेकर अब तो। कितने बजे गए? 10:30 बज गए। नींद सी तो आ रही तो है। नहीं यार मैं चला लूंगा गाड़ी चलो आ जाओ। रहने दे अब सो जा मुझे ही नींद आ रही। अरे जी जी नहीं जा रही चलो तुम।
अरे तुम्हारे जीजा तो इतने नाटक कर रहे हैं कि कहा बता जी पूरे दिन हो गए। अरे नहीं कर रहा है आज जी, तुम ही करो नाटक, पतो गऊ आदमी यार। तो मैं पता नहीं है उनकी औकात का है, तो मैं लगत पे गऊ आदमी उन्हें पहुँचा देते, तुम जाकर सो जाओ और बता रहे भाई। को रोटी बन गई कहाँ थे पूरे दिन से? अरे यार मत पूछ, सिमरौदा गए तो काहे को? अरे ठीक है काहे को गए तो काम है तो मेरे का तो बता दूं। पूरे दिन लग गओ तो का काम है तो मोसे तुम सीधी सीधी बता दो मायके नहीं जानने ने, सो सीधी बोलो अबे। अच्छा मतलब मैं तेरे भैया गाड़ी लेगा जेस के रही तू तो भज्जा के लाजे पूरे दिन से परेशान ही तो कर रहे, कल से आओ तो तू मुझे सीधी सीधी बता दे। मैंने तो सीधी सीधी नहीं कही, मेरी जीजी आ गई फिर तू जा गई यार, अब तू तेरे भैया के सामने मुझे पूछ रही के जाऊँ का अब मैं तेरे भाई के सामने का कहूँ अच्छा लगेगा, बाप सामने कहूँगा मत जा। तो कितने अच्छे बन रहे थे भज्जा के सामने भैया, तो मैं अच्छा नहीं है का हाँ। और मैं बवाद नहीं है, देख चल जाइए यार तू, और तू देख अगर मतलब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट का जो है कि जानो ही है तो तू चल जा, लिया गाड़ी चल जा। आधी रात हो गई, आधी रात तो सुबेर चल जाइए यार, हो सके सुबेर जी और जीजी नहीं भी आने तू चल जाइए सुबेर, ठीक है मैं आ रहा है तेरे साथ, वो रोटी लगा जल्दी। थे यार ए थे मेरी बात सुन, क्या होगा बप्पी पिछवाड़े बोरी रखी थी गेहूं की कित गई वा? कोलगेट मंगवा लाओ पूरी बोरी, कोलगेट मंगवा ला, साबुन भी मंगवाओ। तो मतलब कोलगेट और साबुन पूरी बोरी बेच के दो ही सामान मंगवा है ना? शैम्पू साबुन निरमा चाय पत्ती शक्कर दूध और जा मेथी राई सब मंगवा लाओ। ए यार तू और तेरो भैया है नहीं, तू तेरे भैया तू जहाँ बर्बाद कर बोलायो, एक बोरी रखी मैं इनकी साल भर धर्म पुण्य करते रंगे थोड़ी थोड़ी देते रंगे वह बोरी में, तू पूरी बोरी ही मिटवा दे। तो महीने तो बेची थी पहले हम, तो महीने बोली एक तो वो तेरो भैया घुग्गू पहले ही आके बैठ गया जहाँ जगह, और आज के पास गेहूँ की बोरी खाट लगा हाँ। खुद तो खेत में जाएगी नहीं, गिलास खाना काय कितने बज गए? कौन तू कहाँ जा रही सवेरे ऐसे टाइम पूछ के, बता कितने बज गए? 5 बज गए सवेरे के। 5 बज गए हाँ, चलो तो जल्दी काम कर ले। अरे अब सुन तो मैं जा के रहा हूँ, आज गैया नहीं लगी तो मेरे का दूध लेब जानो, तो जब तेरे भैया के सिरियाना में चाबी निकाल के दे दे यार, मैं गाड़ी चल जाऊँगा अभी 2 मिनट लग रहे, जल्दी आ जाइयो। अरे बस मैं तो जो गए और जो आए हाँ दे हाँ दे वो उठाओ जब तक चाय भी बन जाए नहीं, वो क्या हो यार जीजा जी घर चाय भी नहीं मिलती। हाँ हाँ ये तो क्यों करे का, कोई खजाना नहीं दे रहा मैं तो चाय मतलब हाँ दूध लाऊं जब चाय बने ठीक ले आ जल्दी। और सुन हाँ वो जीजी को 4 बजे रात का फोन आया था, कैसा आज नहीं आ रही ठीक है मैं आ रहा। तुम्हारी जीजी बड़ी नाटक कर रही, अरे जीजी अरे जीजी का होगा? अरे अरे जीजा जी गाड़ी चाय फिर उठा भग का सराने के नीचे से मेरे हाँ का पता अब ये सब कैसे प्यार बता रहा है, हर कहीं मन पड़े जब गाड़ी उठा भग जाए हर कितना शाम शाम तक नहीं लौटे बे का पता आप कहाँ गए। अरे जीजी जीजा जी कब तक आएंगे यार, कब घर जाऊंगा मैं, जीजा जी कब आ गए, ए जीजी जीजा जी कब आ गए यार। और तूने जा कल से साइट नहीं बदल पाई जल्दी जल्दी में दे दी थी, देख जा टंगी एक दूसरी एको पहन ले। देखो यार जीजा जी बड़े जीजा जी से मेरे पटे नहीं बिल्कुल, तुम जाने योग्य बात का तो। अरे वो तो यार मुझे आदमी है सो लगे है के मेरी नहीं पटे बात है, बस तुम से ही पटे मेरी यार जीजा जी यार तुम जानो ये बात का, लेकिन यार जीजा जी सुनो मैं भी अब यार बहुत दिन होगा जहाँ जगह मेरे का घर जाऊंगा यार। हाँ मैं जानू तुम मुझे जान पूछ के नहीं रोक रहा, तुम मुझसे प्यार करो, तुम मुझे प्यार नहीं बहुत प्यार करो तुम, अब समझे तुम तुम्हारी जीजी की दिक्कत नहीं है भाई, जीजी अब तुम और कोई घात बजाते, पर मैंने तुमसे पहले ही दिन कही थी
कि मैं जान नहीं दूंगा। देख आए तो रुकना तो पड़े हो भाई। भाई हमारो कछु फर्ज बने हैं। अगर तुमरी जीजी हम महारानी माने तो तुम भी हमरे का राजकुमार से कम नहीं है। और जब दास के कछु कर्तव्य है नहीं बाबा और मेरे कर्तव्य के हिसाब से भाई तो मेरे जहाँ रोके हैं तुम्हारो स्वागत करें मेजबानी करें। बताओ हैगे का नहीं है कर्तव्य? नहीं बात मानने पड़ेगी जी जी। तुम मतलब प्रेमी तो करो कि तुम जान पूछ करो खड़ा मुँह। तुम जान पूछ के मेरी गाड़ी ले जाओ, दिन भर गाड़ी ले जाओ। मुझे पता है मैं गाड़ी अगर जहाँ छोड़ जाऊंगा तुम भग जाओगे और फिर मुँह बुरो लगे यार। वैसे तुम एक एक साल में जहाँ जगह आ है। अच्छा जी जी एक बात पूछूँ। हाँ तुमने आखिरी बार मेरी गाड़ी में कब डरवा पेट्रोल? पेट्रोल हाँ याद ही नहीं होगी। नहीं थोड़ा थोड़ा सुरत है ही मैंने डरवाया तो पेट्रोल तो कि हमने डरवाया वो चल रहा। नहीं नहीं डरवाया तो फिर भाई बात यार को मेका का बड़े जी जाए जैन समझ रहे। अरे नहीं यार जी जाए यार दिन की बात अलग है तुम्हारी बात अलग है माननी पड़ेगी। लेकिन जी आज सुनो तो हाँ अब नहीं रुक पाऊंगा बिल्कुल। कल मैं जाऊँगा जी जाजी कच्ची भोजा चाय क्योंकि परसों रक्षाबंधन नहीं है जी जाजी। चल जाइयो यार कल तुम तो यहाँ से कर जी। देखो मैंने तुम्हारा मान रख ला मैंने अभी तक कछु नहीं कही। तुमने कहीं यहाँ चलो वहाँ चलो तुम्हें बराबर गयो और तो जी आज देखो तुम मुझसे घास तो गट्ठा उड़वा रहे बने कह रहा तो केक दिखा रहा बता रहा है एक बात प्रेम तुम्हारा मतलब बची समझू कमर तुम्हार जी जा जी। तुमने दो दिन के अंदर चार बार तुम्हारे ट्यूबवेल से मुझसे मोटर हिलवा ली गलत मत समझिए मतलब मैं बता रहा है एक बात तुम का है। हाँ मतलब लगा तो तुम चाहते अकेले कर सकते जो काम लेकिन नहीं तुमने तैयार जो साथ रहोगे मेरे बढ़िया अच्छा लगेगा जाए घर के तरह परेशान रहूँगा कौन बात कर भी नहीं है। हाँ। तुम वो लेगा खेत पे भी। हाँ। और तुमने घास कटवा ला पूरे मुझसे खेत को मेड़ थपा करवा ली लेकिन का वो प्रेम है वो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम। तुम भाई भाई बात पे जमा सोचो मैं इनका करवायो मेन मुद्दा तो जो है वो कि मैं चाह रहा था कि यार तुम रुके मेरे का नहीं जैसे तुम्हें जो चार पाँच दिन हो गए तो हम तो हमने तुमने कहा जहाँ जगह भाई राजकुमार समझ के ही रख रहा हो कि यार रुक जाओ चार पांच बोरी तो तुम हमरे गेहूं बेच चुके अब बताओ हमने कजू कही का बड़े जीजा हो तो नहीं तुम रहो चार पांच जूता दे तो चार पांच बोरी हमने कजू कही हम तो जा कह रहे भाई तुम तो और चार पांच बोरी और बेच दो यार तुमसे बढ़ के गेहूं है का यार। अरे यार जी जी एक मैं तुम्हारे खाने जाऊँ बड़े जीजा जी खाने नहीं जाऊँ मैं तुम कछु नहीं क्यों मान रहे तुमने मुझसे काम करवाओ हलिन कहीं रखो मुझे गांव के सब कहते हाली हाली लेकिन पता मैंने कछु कही तुमसे कहा? अरे नहीं कही ना भाई जब हमने तुमसे नहीं कही भाई तुमने गेहूँ बेच दिया और कुल मिला के देखो वह है जीजा सारे को प्रेम। हाँ कछु कर ली। हाँ बस जब लेकिन सुनो जीजा जी अब नहीं रुक पाऊंगा मैं परसों रक्षाबंधन ये कल निकल जाऊँ सुबह बिल्कुल। अरे यार तुम चलो अभी निकलो तुम चलो फिर मतलब तुम प्रेम ने अभी अरे नहीं नहीं बात हाँ यार फिर वही बात मतलब सुबह की रहा मतलब रात रोड पे उठ बैठने हैं अपन। हाँ लो उठाओ। हाँ तो चलो आज रात और रोके पहले ही कह दे। हाँ रुक जाएंगे यार जी जी यार हाँ। एक गाड़ी मांग के ला जीजी का लेवे का मान मेरी चोरी की रिपोर्ट डाल ही दी। अच्छा हाँ कह दी गाड़ी चोरी हो गई। चोरी हो गई चलो कोई बात नहीं मतलब जहाँ भी रुक सके परमानेंट लेकिन कल निकल जाऊँ सवेरे में। नहीं नहीं निकल ही जाइए तुम तो जी जाओ जाओ का मतलब काम कराओ। अरे चलिए थोड़ा बहुत काम कर दा लेकिन मैं तो मैंने समझ लो हाल ही मेरे का अब नहीं हो जी जी का भी ले गए तो मैं छोड़ दो भैया। अब कल तो रक्षाबंधन है एक दिन आके लाजे जाके का करें फिर तो तुम लो आवे आ जाओ। अरे यार नहीं आ रहा तो ले अब मोए का पता है तो कि जी जी इतने दिन लगा आगे अब जी जी आजकल करके अब कल रक्षाबंधन ही है अब तू तो चल जा और जी जी आ हो सके आज शाम तक आ जा तू तो बेफिक्र हो निकल जाए ना ये कई दिन बचो आ जाती जी। अरे नहीं आऊंगा तो ले दे एक महीना पड़ी रही ये कच नहीं दे रहा जी जाए तुम भी चलो ना। अरे तुम तो तुम ही जाओ जहाँ जाए फिर काम कौन देख रहे हो भाई समस्या नहीं घर अकेले भाई काम पड़ो मैं भी ले आऊंगा देखो ले भी आऊंगो। अरे एक महीना बाद आऊंगो एक महीना भई रह सुकून से ठीक है जा रख लो जी जी गोदी में। हाँ रखे रहे भी जाए। हाँ बैठो और ठीक है जी जान तो निकल रहा है अच्छा है ना पहले तू जा बता देख घुटना पड़ेगा तो टेनिस आशीर्वाद दूंगो और पाँ पड़ेगा तो पंजाब दूंगो पाँ पड़ ले पड़ी रात ढंग से। अरे जी तुमने कल बोरी उड़वाई इधर कमर काम नहीं कर रही मेरी चल आओ जा और कभी जब मैं तुम्हारे जाऊँ तुमने इतनी बढ़िया मेहमान नवाजी करी जी आजी मेरी तो आत्मा खुश हो गई।
अरे तो तुम वो छोटो भगवान ने जी जा सबका दे सबका दे सबका लो तो यूंग मैं जाए ना हाँ पकड़ी तो ना की को और आ फिर मैं ले बे हाँ ये बात मेरी नाम है जल्दी ना करियो मेड़ गए जी जी हाँ रुक जाइए तुम चल दे दो ये इतने कपड़ा रख ले हेलो अब एक आध महीना रोके तो चाने नहीं पड़े एक महीना हाँ हाँ कहे कछु अरे यार ठीक है जी जाइए क्या होगा अरे वो जी जी के साथ कब है आज सवेर 4 बजे क्या होगा रिया जी क्या होगा चलो तो काजी जी कांजारी काजी भूल रही का रोको आ रहा है तनक देरी में हाँ अरे बिन्ने को खोल रहा यार जी जा जी बड़ी मुश्किल से बांधे मैंने ए भैया मत पूछ यार। अरे अरे मत तो खुद तो मानो का भाई जी जी आ रही अरे जरा अरे जी जी को खोल रहा है मुश्किल से बांधो मैंने रुको तो तुम भले ही खोलो जी आज अब मैं नहीं रखूंगा सुन रहे तुमने बहुत अंदर मेहमान नवाजी करी हमारी मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा जा रहा मैं तो अरे खोल लो राखी बांध दी जो कहा राखी देखो राखी कल हैगी ना राखी बंधवाल फिर बता रहा कहो बंधवा राखी अरे यार जी यार बंधवा अबे पैसा वैसा भी नहीं है सब उठ उठ गए कल आऊंगा भाई है अरे वैसे भी तुमने कहा दे दा जो आप दे का दूंगा काय पूछियो हर सावन पे कत्तो इतने जाए खाली झोला ले लेकर इतनी पटरी ये बांध के ला गई जी तुम्हारे घर है राखी तो बंधवा लो हां खेती में माए के इसका चुमत लांदे का आखिर के ही दही बांध तुम किवाए के ही सी तुम बंधवा ले यार राखी देख वैसे ही दिमाग खराब हो रहा राखी कल ही तुम आज राखी बंध मारा है तुम कछु करो मैं नहीं कर रहा मैं नहीं रखूंगा जमीन कुल भी अब मत रोकिए राखी राखी बंधवाल मत रोकिए अभी क्यों डंडू बिबारो खिले सुबह निकल जाइए चावल वो मेरी जी जी की सास मतलब मेरी जी जी की सास खत्म हो गई क्या बात कर रहे है हाँ तो जैसे तुम्हारी जी जी अब तुम्हारे साथ नहीं जा रही तो राखी बंधवाओ और जाओ मैं बस ही जा रहा जी आज निकलूं पते खा लूं कहीं खा पानी पड़ा तेरे ढंग है नहीं है नारियल दे दे ये 2 रुपया खो सिंधी लाए होंगे तो ते जी जी लाई दहूं 10 रुपया तो जी यंग जी जी लाए जी जी का पैसा आ रहा था मतलब राम है बोल अंदर तुमने करी मेरी मेहमान नवाजी पकड़ी तो पन्नी लगी जी जा अब पन्नी खान से दूं रुक जा ला के दे रहा भाई ला अब जी तुम चली नहीं रही अब पापा उन कंगे कर ला जी जी लेकिन नहीं यहाँ छोटी बारी है बड़ी बार जीत पहुंच गई अब का करता करता सुनिए अगले साल आ जाएगी हाँ भाई कंगे अब के रहा होंगे आ रही हो छोटी बारी अब क्या कर रहा अब इतने दिन हो गए इतने पहुंच जाते तो पहुंच ही जाते आखिर टाइम पर आएगा अगले साल तक नहीं हुई है तो अगले साल तो जरूर आ गई हाँ मेरे से पहुंच गई अब बड़ी जी जी अब घर सुनो नहीं रहे हो पन्नी नहीं मिली नहीं मिली चलो कोई बात नहीं जी आज तो मैं निकल रहा जी आज हाँ कजी आज कहाँ से ला दो तो लिया है चलो तो भज जा तुम निकल जा शाम हो रही हाँ जी जी निकल रहा मैं जी आज जी जी कहाँ ला लूंगा अब हो गए ले ठीक है तो हाँ ठीक चला जी हाँ। 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 सुन कौन? तेरो अगर मन हो रहा हो जावे को तो चल जा कोई देगा बजीजी को बेचारी तो हर होएगा खराब तू तेरो मत कर खराब अब मन तो हो रहा इतने दिन से जावे की तैयारी लगाए लेकिन अब नहीं देख तू देख ले तेरे हिसाब से तू मम्मी की मत सोच अगर तो जानो तो तू तो देख ले जा रही हो चल जा
रहन दो, अब मन नहीं है, हम आओ, अब नहीं जा रहे। गाड़ी तुम लेगा? अच्छा हाँ मैं ले गया तो यार, बिजली घर तक ले गए थे। जब से आज हमारी गाड़ी चल रही, तुम्हारी द्वारा थी तो बुझ रही, करवा ले जान तेल में। हाँ जो तेरा भाई चले पकड़ बैग में जा। बड़ा को का पूरो चल तू, अब मैं जा विदा करके ही जाऊँ, है ना? हाँ ठीक, चल ले चल ले। सीधी करो, सीधी करो, सीधी करो, 70 किलोमीटर जी जा। तुम्हारे सारे गाड़ी है, बैठो बैठो। हाँ तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो इतनी सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ दोस्तों, मुश्टेक का हर्बल स्किन लाइटनिंग कॉम्बो एक बार जरूर ट्राई करें। मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर रखी, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो जाइए ऑर्डर कीजिए, बाकी न्यू वीडियो बहुत जल्द आएगी।